गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? ये टॉपर सीरीज का वीडियो नहीं है, इसे हम टॉपर सीरीज में काउंट नहीं करेंगे। टॉपर सीरीज के लिए जल्द ही वीडियोस आएंगे, लेकिन आपके प्री बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद। आपको पता है कि आप सबके स्कूल में 8 तारीख से प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है, कई सेटों में पेपर भेजा गया है एंड डेफिनेटली आपका नंबर अच्छा आए, आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएं। इसी सिलसिले में मिडिल एजुकेशन आपके सामने फुल सोल्यूशन का वीडियो प्रेजेंट कर रहा है। ऑलरेडी आपके हिंदी का, विज्ञान का और गणित का 3 विषय का मैं फुल सोल्यूशन अपलोड कर दिया हूँ। ये हमारा वीडियो नंबर 4th होने जा रहा है, जिसमें हम कवर करेंगे इंग्लिश का। फिर जल्द ही आपको संस्कृत और सामाजिक विज्ञान का मिल जाएगा, आप देख लेना। आपको अदर यूट्यूब चैनल में भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिडिल एजुकेशन यहां पर 100% रियल और जेन्युइन आंसर देता है। इसके साथ ही आपको एक ही वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 23 तक या फिर प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 16 तक जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं पूरा का पूरा कवर करता हूं। ये इंग्लिश के पेपर में 16 प्रश्न है, तो 16 के 16 क्वेश्चंस का वीडियो यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं। देखो यहां पे लिखा है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सेट नंबर ए हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2024 कक्षा 10वीं के अंग्रेजी का पेपर है। यहां पर इंस्ट्रक्शन लिखा है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आप सर को बता दो कि सर मैं पूरे के पूरे प्रश्न का उत्तर दूंगा और वो भी एकदम सही, मतलब 75 में 75 नंबर सर को देना ही पड़ेगा। सेकंड नंबर कहता है मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन अगेंस्ट देम, मतलब कौन सा प्रश्न कितने नंबर का इसके सामने दिया गया है। जैसे देखो पहला नंबर का प्रश्न है जो 5 नंबर का है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा एक चीज मैं बता देता हूं, आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो रहता है हमेशा 4 सेक्शन में। सेक्शन नंबर ए में सिंपल सा रीडिंग स्किल रहता है, मतलब पढ़ो और पढ़ करके अपना कौशल दिखाओ, ठीक है, खत्म। आगे बढ़ते हैं अब सेक्शन नंबर बी की तरफ। सेक्शन नंबर बी में राइटिंग स्किल्स रहता है, मतलब लिखकर अपने कौशल दिखाओ, खत्म। सेक्शन नंबर सी जो होता है वो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन होता है, ग्रामर से संबंधित प्रश्न पूछता है, तो वो भी खत्म। एंड सेक्शन नंबर डी जो रहता है वो टेक्स्ट बुक, मतलब किताब से प्रश्न देखने को मिलता है। मतलब सेक्शन नंबर ए बी सी बिना पढ़े जाओ और पूरे पूरे नंबर लेकर के, ऐसा चीज है। लेकिन सेक्शन नंबर डी आपको पढ़ना पड़ेगा, टेंशन मत लो। टॉपर सीरीज में आपको मैं ये भी सिखा दूंगा कि अगर आपसे इंग्लिश अच्छे से रीड करते नहीं आती फिर भी एग्जाम में बेहतर नंबर कैसे लाएं, इसीलिए तो टॉपर सीरीज लाया गया है। अब देखो हम यहां चलते हैं। सेक्शन नंबर ए कहता है रीडिंग, पहला नंबर कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, मतलब इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है फिर जो प्रश्न पूछा है वो उत्तर हमें देना है। पैसेज देख लीजिए, लिखा है आई हैव हर्ड अबाउट अ मैन हु वाज सीन एज अ ग्रेट सेल्समैन, कुछ इस प्रकार से पैसेज लिखा गया है। मतलब ये पैसेज कहीं ना कहीं सेल्समैन के बारे में लिखा, मतलब बिक्रीकर्ता के ऊपर लिखा गया है। पैसेज मैटर नहीं करता, हम जंप करेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। अभी हम देख लेते हैं फिर टॉपर सीरीज में समझ समझ के पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है व्हाट डिड द सेल्समैन सेल टू द बायर इन द स्टोरी। हमारे ऑप्शंस कहते हैं अ हाउस, ए प्लॉट ऑफ लैंड, 2 वोट्स एंड अ मैप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्लॉट ऑफ लैंड, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सेकंड नंबर कहता है व्हाट डिड द बायर रिक्वेस्ट ए रिफंड फ्रॉम द कंपनी। तो इसका सही आंसर लगाना है द प्लॉट वॉज अंडर वॉटर इज करेक्ट आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपको सही उत्तर लिखना है। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर कहता है हाउ डिड द सेल्समैन कन्विंस द वायर टू कीप द प्लॉट डिस्पिट द फ्लोटिंग। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी प्रोमिस्ड अ लेक प्लेस इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते नेक्स्ट हमारा 4th नंबर कहता है व्हाट डज द स्टोरी सजेस्ट अबाउट द बोट द सेल्समैन सोल्ड टू द वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लिखना है दे वेयर वैल्यूएबल इज करेक्ट आंसर, सॉरी दे वेयर अनलेस इज करेक्ट आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी भी आपको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर कहता है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, मतलब इस स्टोरी के अनुसार व्हाट हैज ह्यूमनाइड बीन सोल्ड द कंट्रीज। तो इसका सही आंसर लिखना है आपको ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, बिलीव्स एंड डॉग मैप सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2nd की तरफ। इसमें कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, मतलब आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर देना है।
हमारा पैसेज कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के ऊपर लिखा गया है। देख लीजिए, पॉल्यूशन के ऊपर पूरा पूरा पैसेज लिखा गया कि जो पॉल्यूशन होता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को कवर करते हैं। हमारा पहला नंबर कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी केस ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन मेंशनड इन द पैसेज। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये सही उत्तर हो जाएगा, कोल फॉर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। कहता है, विच फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन इज नॉट विजिबल बट कैन डैमेज अवर ईयर। तो इसका सही आंसर लिखना है नॉइस पॉल्यूशन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। मतलब ऐसा कौन सा पॉल्यूशन है जो हमारे कान को डैमेज करता है, तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी पे टिक करना है। आगे देखते हैं हमारा तीसरा नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न देख सकते हैं, पैसेज के बारे में पूछा गया, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है वाटर पॉल्यूशन। आगे देख लेते हैं चौथा नंबर, कहता है व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट, ये पूरा पूरा बाकी आप देख सकते हैं लिखा गया है, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो इसका सही आंसर लिखना है इट विल इंक्रीज, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अंतिम और पांचवा नंबर कहता है, व्हाट इज इंडेंटिफाइड एज द मेन केस ऑफ एयर पोल्यूशन इन रिलेशन टू व्हीकल्स। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है फ्यूल इफिशियंसी इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीन, कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सेफली एंड सुटेबल टाइटल। मतलब इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, फिर जो हमारा नोट और टाइटल पूछा है वो चीज लिखना है। देखो, ये लिखा है कहीं ना कहीं एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है, पूरा का पूरा पैसेज मैंने पढ़ा और ये पैसेज पूरा पूरा एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है, तो सिंपल सा इसका टाइटल क्या होगा आपको पता है क्या? अरे भाई, सिंपल सा, जिसके ऊपर पूरा पूरा पैसेज बेस्ड रहे या फिर जिसके ऊपर पूरा पूरा पैसेज लिखा जाए वही उसका टाइटल कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे सपोज करो कि मैंने तुमको बोला कि बेटा आप मिडिल एजुकेशन के ऊपर लिखो, तो आप अपने विचार व्यक्त करोगे कि मिडिल एजुकेशन के वीडियोस जब भी आते हैं वो धमाका लाता है, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक का संपूर्ण उत्तर देता है, मिडिल एजुकेशन एक अच्छा यूट्यूब चैनल है, या फिर आपकी नजर में बुरा है तो आप लिखेंगे मिडिल एजुकेशन एक बुरा यूट्यूब चैनल है, मतलब जो भी हो आप लिखेंगे, है ना। तो लिखेंगे तो किसके ऊपर लिख रहे हैं, लिख तो रहे मिडिल एजुकेशन पर ना, तो उसका टाइटल होगा मिडिल एजुकेशन। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो ऐसे इसका टाइटल क्या हो जाएगा, इसका टाइटल हो जाएगा एजुकेशन। मैं लिखित दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अब देखो नोट कैसे लिखते हैं ये भी समझ लो जरा, पूरा का पूरा जो पैसेज रहता है उसको ध्यान से पढ़ो और इस पैसेज में जो आपको इंपॉर्टेंट बिंदु लगे उसी को नोट्स में लिखा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। आइए अब हम समझा देते हैं। देखो बेटा, ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। सबसे पहले हम टाइटल की बात करें तो एजुकेशन इन आवर लाइफ, मतलब एजुकेशन हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा जरूरी है, यही इसका टाइटल हो जाएगा। यदि आप आवर लाइफ नहीं लिखना चाहते तो इसको हटा दो, लो भैया हमने हटा दिया, केवल आप एजुकेशन लिखकर भी काम चला सकते हो। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा नोट में कहता है पहला नंबर, बेनिफिशियल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के क्या क्या फायदे होंगे। ठीक, तो देखो अंडरस्टैंड मतलब व्यक्ति के अंदर समझदारी आएगी, यूनिवर्सल अराउंड पूरे विश्व घूमने का उसको क्षमता रहेगा और रिस्पॉन्सिव एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा, ये आपको लिखना है। सेकंड नंबर देख लेते हैं, एजुकेशन स्प्लिट थर्ड पार्ट, मतलब एजुकेशन के तीन भाग होते हैं, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। अब बोलोगे सर EDU क्या है, तो एजुकेशन EDUCATION एजुकेशन का ही हाफ फॉर्म होता है EDU, मतलब शॉर्ट में लिखते हैं EDU। तो इस प्रकार से दोनों आपको लिखना है। ठीक, ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी हमारा कहता है राइटिंग स्किल्स। आइए देखते हैं राइटिंग स्किल्स में आपको किस प्रकार से आंसर लिखना पड़ेगा। राइटिंग स्किल्स में हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है कि यू आर कुशल शर्मा, तुम्हारा नाम या फिर तुम कुशल शर्मा हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि स्टडी इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी नारायणपुर, तुम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नारायणपुर में पढ़ते हो, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन, मतलब अपने प्रिंसिपल साहब को एक आवेदन पत्र लिखो फीस में छूट कराने के लिए, समझ गए ना। आगे अथवा में क्या कहता है, यू आर नीरज चौहान, तुम्हारा नाम नीरज चौहान है, रेसिडिंग कहाँ रहते हो, यहाँ पे लिखा है एट A/53 वसंत विहार, इसका इस एड्रेस पे रहते हो ग्वालियर में। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम अटेंड योर बर्थडे पार्टी। दोनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
हर साल आपके एग्जाम में रिपीट होता है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा देखना, सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा था। त्रैमासिक का पेपर उठाना, इस साल का नहीं पिछले साल का, अर्धवार्षिक का पेपर उठाना, पूरा का पूरा यही पूछता है। इसीलिए आपको ये चीज अच्छे से पढ़ना है। अब चलिए हम आपको दिखा देते हैं बेटा कि आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो ये रहा आपके सामने इसका आंसर, क्या लिखना है, टू द प्रिंसिपल, और स्कूल का नाम आपको चेंज करना है। यहां पर जो लिखा है सिटी पब्लिक स्कूल, ये नहीं लिखना है, बल्कि लिखना है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नारायणपुर। इस चीज को ध्यान रखना, ध्यान सुन लो अभी जो चेंज करा रहा हूं, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट में आपको सेम लिख देना है, और क्लास यहाँ पे ये काटना, ये नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिस्पेक्ट सर मैडम, माई नेम इज, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर नाम में क्या लिखा है, अहमद, और हमारे प्रश्न में क्या दिया है, कुशल शर्मा, तो आपको कुशल शर्मा नाम लिखना है, अहमद नहीं लिखना है। जो हमारे प्रश्न बोला है वही लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, कुशल शर्मा। स्टडी इन क्लास टू, तो आप क्लास टू में नहीं है, आप किस क्लास में, आपको क्लास टेंथ में, तो यहाँ पे टेंथ कर देना। माय फादर इज कार ड्राइवर, ठीक है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। एंड ही इज अ पुअर मैन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दैट दे आई कैन नॉट अराउंड द फी एंड आई कैन नॉट डिपोजिट इट, कोई दिक्कत नहीं चलने दो। आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट हु ऑलवेज कम फर्स्ट इन द क्लास, कोई दिक्कत नहीं लिखना, ठीक है। देयर फोर काइंडली ग्रांट मी फी कंसेशन, बिल्कुल सब सही है, बस दो तीन जगह चेंज करना जहां पर जहां समझाया हूं। नेक्स्ट लिखेंगे थैंक यू योर फेथफुल, यहां पर नाम चेंज करना, नाम क्या लिखोगे बेटा, वही लिखोगे कुशल शर्मा, और कक्षा दो के स्थान पर 10 लिख देना, और रोल नंबर ठीक है, डेट जिस दिन आप लिखना उस दिन का डेट डाल देना, ठीक। समझ में आ गया ना, चलिए गुड, समझ में आना चाहिए, मेन बात यही समझ में आना चाहिए, ठीक है। नकल करके तुम कहीं से भी लिख सकते हो। पांचवा नंबर कहता है राइट एन एसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स 150 वर्ड्स, किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। यहां पर लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, मतलब जो बेरोजगारी समस्या है उसके ऊपर, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री पेड़ के ऊपर, साइंस एंड मैन विज्ञान और मनुष्य के ऊपर, और वैल्यू ऑफ गेम एंड स्पोर्ट के ऊपर। देखो आपके वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री और साइंस एंड मैन, जिसे आप वंडर ऑफ साइंस भी कहते हो। मैं तो कहता हूं कुछ मत पढ़ो, तुम केवल साइंस एंड मैन मतलब वंडर ऑफ साइंस के ऊपर पढ़ लो, भाई साहब पूरा का पूरा वही को वही आएगा। तो वंडर ऑफ साइंस अच्छे से प्रिपेयर करो आप वार्षिक परीक्षा के लिए। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इंपॉर्टेंट ट्री के ऊपर आपको किस प्रकार से लिखना है। तो ये रहा भाई पूरा का पूरा 101% जेन्युइन आंसर लेकर आया हूं, इससे बेहतर आंसर आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा, और ये मैं खुद नहीं कहता हूं, ये आप स्वयं मानते हैं। देखिए अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना हार्ट भेजिए, मुझे भी तो पता चले कि आप मेरे से कितना प्यार करते हैं, हमें भी तो पता चले कि जो मैं आंसर प्रोवाइड कराता हूं तो कितना बेहतरीन आपको समझ में आता है, इसीलिए मुझे हार्ट जरूर भेजिएगा। तो इस प्रकार से आपको यहां तक लिखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसी के अथवा में कहता है राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। जो सोशल मीडिया साइट है जैसे आपका व्हाट्सअप हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, तो यहां से आपको क्या फायदा और क्या हानि है ये चीज लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका दो तरह से यूज करते हैं, कुछ लोग इसका यूज फायदे के लिए करते हैं तो कुछ लोग इसका यूज नुकसान के लिए करते हैं। देखो भाई आपको पता है कि इंस्टाग्राम पर मोई मोई करने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक, और मोई मोई करते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जो मुजड़ा करते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जो रोड में नाचने लगते हैं, है ना। तो ये सबका अपना अपना कला है, अपना अपना कला दिखाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा कला दिखाते हैं तो कुछ लोग बेशरमियत का यूज करते हैं। अब आप उसका कैसे यूज कर रहे हैं, अब देखो सोशल मीडिया भी एक ऐसा चीज है, कुछ लोग सोशल मीडिया में वीडियो डाल करके पैसा कमाते हैं और कुछ लोग सोशल मीडिया में वीडियो देख करके टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे अभी तुम वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो आपका एजुकेशनल वीडियो है, इससे आपको नॉलेज मिलेगा, लेकिन अभी मैं नाचने लगूं आके वायदा भी मेरे से डांस करते तो नहीं आता है, लेकिन अभी मैं आके नाचने लगूं तो आप क्या बोलोगे, सर यार क्या चल रहा है, ये मुजड़ा करने आप भी आ गए, है ना, आप खुद बोलेंगे। एंड फाइनली चलो ठीक है, बाय द वे वो सब साइड में रखते हैं, तो पढ़ाई करिए। कुल मिला के सोशल मीडिया का कौन कोई 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 फायदा उठाता है, कोई कोई इसके नुकसान में भी जाता है। गेम वगैरह कोई कोई खेलता है फिर मृत्यु हो जाता है, मर जाता है, बोलता रहे अब हम नहीं रह सकते, है ना, कई सारे ऐसे गेम्स बने हैं देखे होंगे। आगे बढ़ते हैं, छठवां नंबर कहता है ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल ऑन स्टूडेंट लाइन। देख लो भैया जो मोबाइल होता है वो स्टूडेंट को कैसे इम्पैक्ट करता है, वही चीज छठवें नंबर में दिया है, और लिखा है एन अबाउट 75 वर्ड्स, आपको 75 शब्दों में लिखना है। टेंशन की कोई बात नहीं है, बकायदे एकदम प्रिंटेड उत्तर लेके आया हूं, ये देखो ये लिखो भाई साहब, ये आपका डिसएडवांटेज लिखा है और यहां से आपको आंसर लिखना है। ये पहला नंबर जो पॉइंट दिया है ना एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, तो ये रहा पहला का पूरा पूरा उत्तर। सेकंड नंबर क्या है कम्युनिकेशन एंड कोलेब्रेशन, तो ये रहा कम्युनिकेशन एंड कोलेब्रेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं लर्निंग टूल एंड एप्स, जैसे तुम सीखते हो, जैसे अभी तुम सीख रहे हो, तो ये रहा।
थर्ड नंबर देख लेते हैं ऑर्गेनिज्म एंड प्रोडक्टिविटी, तो इसका देख लो। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर देख लेते हैं एक्सेस टू ऑनलाइन लर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन के थ्रू कैसे पढ़ाई करें। एंड फाइनली तुम ऑनलाइन के थ्रू ही मुझे मिले हो और मैं तुमको मिला हूँ। एंड फाइनली हम लोग की दोस्ती इतनी अच्छी हो गई है कि मैं जैसे वीडियो डालता हूँ आप लोग भयंकर प्यार देते हैं और जल्दी से अपना फायदा उठाते हैं। चलिए भाई ये कंप्लीट होता है, आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी में कहता है ग्रामेटिकल पोर्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट एनी फाइव। कोई पांच आपको अटेम्प्ट करना है, गेट रेडी, आप सब तैयार है ना। चलिए फटाफट देखते हैं। पहला नंबर कहता है हर अंकल इज डैश डैश एम एल ए, तो इसका सही आंसर लिखना है एन। सेकंड नंबर कहता है हिज ग्रैंड मदर डैड डैश डैश कैंसर, तो यहां पर आपको लिखना है ऑफ। नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ नंबर, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर बी डैश डैश दे आर, तो यहाँ पर आपको लिखना है रीच्ड, ये सेकंड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ नंबर कहता है वॉक केयरफुली डैश डैश यू विल फेल डाउन, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है और। नेक्स्ट देख लेते हैं पांचवा नंबर, दे आर डैश डैश फ्लावर्स इन द गार्डन, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है मैनी। एंड अंतिम छठवां नंबर कहता है वी डैश डैश टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, तो यहां पर आपको लिखना है शुड। तो इस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर दिया। ध्यान सुन लो फिर से, पहले का एन, दूसरे का ऑफ, तीसरे का रीच्ड, चौथे का और, पांचवे का मैनी एंड छठवे का शुड हो जाएगा। छह का छह उत्तर दिया हूं, पांच आपको लिखना है। बाकी आपको इस प्रकार से जो आप पीडीएफ देख रहे हो ना बेटा, इस प्रकार से पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जाकर के अपने पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए। आगे देखते हैं आठवां नंबर कहते हैं डू एज डायरेक्टेड एनी फाइव, कोई पांच हमें अटेम्प्ट करना है। पहला नंबर देखो बोला है अनलेस ही इनवाइट मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी, और रीराइट यूजिंग इफ का यूज करके हमें सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, हम दिखा देंगे आंसर, टेंशन मत लो। नेक्स्ट कहता है दे हैव मेड इट, ठीक है, चेंज इन टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना था। नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा नंबर कहता है सी इज टू ट्राइड टू वर्क, इसको सो दैट का यूज करके आपको सेंटेंस को रीराइट करना था, मतलब पुनः लिखना था। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट कहता है ही कट हर फिंगर, तो यहां पर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुज इज पेइंग चेस, तो यहां पर आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। एंड नेक्स्ट अंतिम वाला देख लेते हैं, इसमें कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु का यूज करके आपको सेंटेंस को कंबाइन करना है। एंड देखिए ये रहा आपके सामने आंसर, ये देखो प्रश्न क्रमांक सात का उत्तर दिया गया है और ये रहा आठ का उत्तर। ठीक, इसको मैं जूम करता हूं ताकि आपका नजर केवल यहीं रहे। देखो आठ का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इस प्रकार से आपको लिखना है। बाकी इन्हीं चीज का आंसर मैं लिखित भी लाया हूं, देख सकते हैं, लिखित देखना चाहते हैं तो ये रहा आपके सामने लिखित आंसर। ठीक, यहां से भी देख सकते हैं, मतलब सेम चीज है, ये कॉपी में जो मैं लिखा हूं वो मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा कह रहा है अब सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी कहता है टेक्स्ट बुक से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, आइए फटाफट हम टिक कर लेते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 9 कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमारा पहला नंबर कहता है द डस्ट ऑफ स्नो इफेक्टेड द पोएट बाय, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर सी, चेंजिंग हिज मूड। आगे देखते हैं सेकंड नंबर कहता है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ, तो इसका सही आंसर लिखना है इट्स पीपल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, पहले का सी दूसरे का बी। आगे देख लेते हैं थर्ड नंबर कहता है अनी फ्रैंक रोटर हिज डिलीवर्ड व्हील, तो इसका सही आंसर लिखना है व्हील प्लेइंग विथ हर फैमिली, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं चौथा नंबर कहता है अकॉर्डिंग टू एमनाथ फ्रीडम इज, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है स्वीट, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। तो आपका पहले का हो जाएगा सी, दूसरे का हो जाएगा आपका बी, तीसरे का बी और आपका चौथे का हो जाएगा बी, चौथे का ही बी, मतलब सी बी 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 कंप्लीट। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10 कहता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोर्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, आइए हम फटाफट पोर्स के भी आंसर देख लेते हैं। हमारा दसवें का पहला क्या सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न क्या कहता है व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग स्लेक्स रन टू द ब्रिज ऑफ द लीड्स, इसका सही आंसर आप लिखना है ही बिकम एफ्रीड, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सेकंड नंबर देख लेते हैं वेयर डिड द यंग स्लीप एट नाइट, तो इसका सही आंसर लिखना है अंडर द लेग्स, ठीक ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड नंबर, आपको सिंपल सा जो लिटिल शब्द है इसका मीनिंग बताना है, इसका मतलब, तो लिटिल का मतलब हो जाएगा स्मॉल, इस प्रकार से भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2, दूसरा नंबर कहता है फ्रॉम विच द पोएम हैव द अबव लाइन बीन टेकन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं
हु वाज रिटन दिस पोएम, इस पोएम को लिखने वाले कौन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कारोलिन्स बेल्स। आगे देख लेते हैं, थर्ड नंबर कहता है व्हाट डज द वर्ड ऑफ बीस्ट मीन, बीस्ट का मतलब क्या होता है, तो बीस्ट का मतलब होता है जंगली जानवर अर्थात एनिमल, इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होते हैं, इसका आंसर चाहिए आपको तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। बाकी मैं तो कहता हूं पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए चेकआउट जरूर कीजिएगा। बाकी टेलीग्राम पर भी लगातार भेजा रहा है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ फटाफट, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। प्रश्न नंबर 11 देख लीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 30 वर्ड्स एनी सेंस, ठीक पूरे पूरे क्वेश्चंस देख लो, अब मैं क्वेश्चन रीड नहीं करूंगा, ठीक है, एक पूरा पूरा देखिए प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, ठीक पूरा पूरा, वैसे तो मैं पेपर दो दिन पहले ही दे दिया था। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर देख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा ये रहा, प्रश्न क्रमांक 13 का पहला दूसरा तीसरा ये रहा, प्रश्न क्रमांक 14 का देखिए ये रहा, प्रश्न क्रमांक 15 का देखिए ये रहा, और ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 16 का। चलिए हम देख लेते हैं फटाफट आंसर क्या हो जाएगा। ये रहा भाई साहब प्रश्न क्रमांक 11 के पहले का 100% इक्यूरेट आंसर, ये रहा प्रश्न क्रमांक 11 के दूसरे का 100% इक्यूरेट आंसर। देखो जिस प्रकार से मैं प्रॉमिस किया था फुल सोल्यूशन दूंगा, तो गद्दारी और चोरी चमारी ना करते हुए फुल का फुल सोल्यूशन दे रहा हूं, तुम खुद भी देख सकते हो, एक भी नहीं छूटा है। प्रश्न क्रमांक 11 का तीसरा देख लीजिए, ये रहा आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 11 का चौथा ये रहा आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न क्रमांक 11 का पांचवा ये रहा आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 11 का छठवा ये रहा आपके सामने, 6 का 6 दे दिया, आपको 5 लिखना था। आगे देख लेते हैं, ये रहा 12 का दूसरा, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये रहा 12 का तीसरा, ठीक 12 में 3 प्रश्न थे, ठीक है, तो मैंने आपको 2 लिखना था 2 दे दिया। ये रहा प्रश्न क्रमांक 13 का दूसरा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा प्रश्न क्रमांक 13 का तीसरा, ठीक तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से स्टार्ट होता है इसका आंसर। तो भाई इसमें भी कितने थे, 3 थे, तो मैं आपको 2 आंसर लिखना था 2 दे दिया हूं। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा, है ना, 15 में 2 क्वेश्चन था, एक ऊपर एक नीचे देख सकते हैं, ये देखो ये, तो मैंने आपको नीचे वाला दे दिया। और अंतिम में अब देख लेते हैं 16 वाला, क्योंकि आपको एक ही लिखना था, तो ये रहा 16 का नीचे वाला। तो लीजिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया हूं एक ही वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार आए हैं मिडिल एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वार्षिक परीक्षा के लिए टॉपर सीरीज 2024 चलाया गया है, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप नहीं जुड़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप में जुड़िए, वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र वहीं पर प्रोवाइड कराया जाएगा, और टॉपर सीरीज में वे सभी क्वेश्चन दूंगा जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा। मैं वीडियो गेंड करता हूं, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बाय बाय।